नमस्कार, मेरा नाम नीरज त्रिपाठी है और आपका संकल्प स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग एक नया बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र, ठीक है। एक्चुअली इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे कंकाल तंत्र क्या होता है। एक छोटी सी बात बताता हूँ, देखिए हमारे शरीर जो है वो पूरा बोन्स का बना है। अगर आप एक डायग्राम देखोगे तो आपको एक डायग्राम दिखेगा ये वाला, ठीक है। अब इसमें देख रहे हो पूरा शरीर जो है उसमें हर जगह कोई ना कोई हड्डियां स्थित है, ठीक है। और ये बोन्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये स्केलेटन सिस्टम है क्या, तो स्केलेटन सिस्टम में स्केलेटन जो है वो हमारे शरीर का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाता है, हमारे शरीर का एक प्रॉपर शेप बनाता है। और यह क्या करता है, हमें मूवमेंट इधर से उधर जाने में यानी चलने फिरने में मदद करता है। तो हमारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है और ये बोन्स के कारण हम क्या है, खड़े हैं। ये स्केलेटन के कारण हम क्या है, खड़े हैं। और इसी की मदद से हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, चलते फिरते हैं। और ये जो बोन्स रहती है पूरे बॉडी में है, और ये बोन्स जो रहती है ये अस्थियां जो रहती है, अस्थियों से क्या बनता है, कंकाल, उसी को बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो ये बोन्स सब आपस में क्या है, ज्वाइंटेड है, सब आपस में ज्वाइंटेड है। अब ये कैसे है, क्या है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस अभी ये जान लो कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये सब एक दूसरे को क्या करते हैं, मूवमेंट करने में मदद करते हैं। कुछ हड्डियां मूवमेंट करती हैं, कुछ हड्डियां मूवमेंट नहीं करती हैं। देखिए यहां जैसे रिब्स है, ये यहां पर आपका क्या है, लंग, अंदर में क्या होता है, लंग, फेफड़ा, हार्ट, ये उसको सुरक्षा करने वाला काम करती है, इसमें मूवमेंट नहीं होता। आपका जो ये सर, ये ऊपर वाली खोपड़ी है, इसमें मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। और कहां मूवमेंट होगा, पैर वाली हड्डी में इसमें मूवमेंट होता है, हाथ वाली हड्डी में, शोल्डर वाली हड्डी में मूवमेंट होता है। हमारी ये यहाँ पर व्हाइट नामक एक हड्डी पाई जाती है, यानी गले की हड्डी, ठीक है, यहाँ पर मूवमेंट होता है। हमारे यहाँ पर मूवमेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि कंकाल जो रहती है वो हमारे हड्डियों को प्रॉपर शेप एंड साइज देता है और प्लस मूवमेंट करने में मदद करता है, यानी मूवमेंट करने में मदद करता है, प्रॉपर शेप एंड साइज प्रदान करता है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल सा डेफिनेशन है जो आप सब लोगों को अक्सर पता ही रहता है। देखिए स्केलेटन सिस्टम जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन मतलब होता है बाह्य कंकाल, और दूसरा होता है इंडोस्केलेटन, उसका मतलब होता है आंतरिक कंकाल। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं बाह्य कंकाल, ठीक है। देखो स्केलेटन सिस्टम के दो भाग होते हैं ना, स्केलेटन सिस्टम के दो भाग होते हैं। पहला भाग है एक्सोस्केलेटन और दूसरा है इंडोस्केलेटन, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज है, थोड़ा भाषा पे ध्यान दीजिएगा। स्केलेटन सिस्टम के दो भाग होते हैं एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एक्सोस्केलेटन की। देखिए एक्सोस्केलेटन मतलब होता है बाह्य कंकाल। अब बाह्य कंकाल का ये मतलब नहीं है कि कंकाल बाहर में रहता है, ये नहीं है, ठीक है। अगर इसका प्रॉपर एग्जांपल देखा जाए तो ये जो बाह्य कंकाल रहते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे नाखून, ठीक है, हमारे नाखून और हमारे जो बाल है, ठीक है, ये बाह्य कंकाल में आते हैं, ठीक है। ये क्या है, बाह्य कंकाल। अब आप देखोगे हमारा जो नाखून है वो जहां तक कनेक्ट है, ठीक है, हमारे जो मांसल भाग है वहां से कनेक्टेड है, तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर वो निकलता है तो हमारे ये नाखून में डेड कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिका नहीं रहती, उसमें डेड सेल पाई जाती है, इसलिए हम आसानी से काट के क्या करते हैं, उसको अलग कर देते हैं। हमारे बाल में, ठीक है, आप देखोगे इसमें ब्लड नहीं पाए जाते। अगर आप बाल को उखाड़ोगे तो आपका ब्लड नहीं निकलेगा, ठीक है, एक दो बाल को खाड़ोगे ब्लड नहीं निकलेगा। अगर कुछ मांस वास निकल जाता है तो उसे ब्लड फ्लो हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि कभी भी मनुष्य में अगर बाह्य कंकाल का एग्जाम्पल पूछता है तो आपका बाल होगा और नाखून होगा, ये एग्जाम्पल आप याद रखें, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, और एग्जाम्पल इसके होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखोगे कॉकरोच, कॉकरोच देखोगे, मकड़ी देखो, या आप केकड़ा देखो, केकड़ा अगर क्रैब यानी केकड़ा देखोगे तो केकड़ा को अगर आप देखोगे तो उसका हर ऊपर का अगर पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो उसका बॉडी का पूरा एक एक भाग दिखेगा, कहाँ से ये ज्वाइंट है,
यहां से ये ज्वाइंट है, ये ऐसे बना हुआ है, यानी केकड़े का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है। उसका ऊपर वाला जो भाग रहता है वो पूरा अलग अलग दिखेगा, ठीक है। वही क्या होता है, बाह्य कंकाल, जैसे हमारा है, ठीक है। तो हमारा ऊपर में क्या है, एक परत चढ़ी हुई है, उसके अंदर पूरा मसल्स है, उसके अंदर क्या है आपका स्केलेटन है, यानी कि कंकाल है, ठीक है। तो हमारा ऊपर से पूरा ढका हुआ है, ठीक है, पूरी तरीके से। उनका ढका नहीं रहता, उनका दिखता है, यहां से ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है और यहां से ये जॉइंट है। और दूसरा, अगर उसको पकड़ोगे, ठीक है, क्रैब यानी कि केकड़ा को अगर आप पकड़ते हो तो पकड़ने में बाहरी भाग एकदम कठोर लगता है, ठीक है। या केकड़ा को पकड़ो या आप बिच्छू को पकड़ना नहीं, लेकिन बिच्छू का भी अलग अलग भाग दिखता है, ठीक है। तो इनके जो होते हैं, केकड़ा हो गया, बिच्छू हो गया, आप मकड़ी देखोगे तो मकड़ी के भी अलग अलग भाग दिखते हैं, ठीक है। आप चींटी को देखोगे तो उसके भी अलग अलग पार्ट दिखते हैं, मच्छर के भी अलग अलग पार्ट दिखते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि इनका जो बाहरी भाग होता है ये थोड़ा सा ठोस होता है, थोड़ा सख्त होता है। अगर आप मच्छर को भी दबाओगे तो थोड़ा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाह्य कंकाल उसके बाहर में रहते हैं, जो उसके बॉडी को कोई भी प्रेशर देता है तो उसको प्रेशर को रोकते हैं। जैसे आप केकड़ा को दबाओगे, उसका बॉडी क्या हो जाता है, एकदम कठोर लगता है। उसी जगह में आप अगर किसी चूहे को दबाओगे तो उसका बॉडी क्या एकदम सॉफ्ट लगता है, क्योंकि उसका आंतरिक कंकाल उसमें पाया जाता है, बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता। यानी कहने का मतलब यह, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है मैं आपको लिख देता हूं, ये सब में बाह्य कंकाल पाया जाता है। और बाह्य कंकाल जो होता है, पहले एग्जाम्पल लिख देता हूं फिर और डिटेल इसे करता हूं। ये जो बाह्य कंकाल रहता है ना, इसका निर्माण कैसे होता है, एक्टोडर्म या मीजोडर्म से, ठीक है, बाह्य कंकाल का निर्माण होता है, ठीक है। एक परत पाई जाती है भ्रूण में, उसी समय से इसका निर्माण क्या होता है, चालू होता है, भ्रूण से ही इसका निर्माण धीरे धीरे चालू हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक्टोडर्म ऊपर वाली परत है, मीजोडर्म बीच वाली परत है, और एक आता है आपका एंडोडर्म जो आंतरिक परत रहता है। तो ये दोनों परत से आपका क्या निर्माण होता है, बाह्य कंकाल, ठीक है। ये दोनों परत से बाह्य कंकाल का निर्माण होता है। और इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे आप, मैंने बोला सबसे पहला क्रैब बोला यानी केकड़ा, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। आपका घोंगा आ जाएगा, स्नेल आ जाएगा। घोंगे की जो ऊपरी परत रहती ना, घोंगे की जो ऊपरी परत जो कवर रहता है वो क्या रहता है, उसका बाह्य कंकाल रहता है, बाह्य कंकाल रहता है। आपका कॉकरोच आ जाएगा, ठीक है, ये भी बाह्य कंकाल में आ जाता है, ठीक है। मकड़ी आएगा, ये भी बाह्य कंकाल में आ जाता है, ठीक है, मकड़ी आएगा। आपका मधुमक्खी आएगा, मधुमक्खी भी बाह्य कंकाल में आ जाता है, मधुमक्खी भी बाह्य कंकाल में आता है। आपका आएगा स्कॉर्पियन, बिच्छू भी बाह्य कंकाल में आ जाता है। आपका जो आंट होता है, चींटी होती है, ये भी बाह्य कंकाल में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कोई भी कीट हो या कोई भी मच्छर हो, ठीक है, तो ये किस में आते हैं, सब बाह्य कंकाल में आते हैं। ये सब किस में आते हैं, बाह्य कंकाल में। कहने का मतलब ये है कि बाह्य कंकाल के बारे में एक और चीज बता देता हूं। बाह्य कंकाल जो रहते हैं वो छोटे छोटे जीवों के बाहरी परत को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और आंतरिक परत की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी ऐसे जीव को मसलोगे, ठीक है, जैसे मच्छर है, मच्छर का भी अगर मसलोगे तो हल्का सा प्रेशर लगाना पड़ता है, और अगर उसको मारोगे तो क्या हो जाता है, उसके शरीर की एक आकृति बन जाती है, आपके शरीर की ऊपरी भाग में कहीं भी उसको प्रेशर पड़ता है, मरता है तो ऊपरी भाग भी, यानी कि बाह्य कंकाल होते हैं तभी फॉसिल्स बनते हैं, ठीक है, एक प्रकार का एक आकृति बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सुरक्षा भी प्रदान करता है, और इसका निर्माण एक्टोडर्म मीसोडर्म से होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है क्रैब होता है, घोंगा होता है, आपका कॉकरोच है, मकड़ी है, मधुमक्खी है, बिच्छू है, आंट है, कीट है और मच्छर। तो ये और भी एग्जाम्पल होते हैं, बस इतना याद रखो, इतने एग्जाम्पल होते हैं। और ये सब में क्या पाए जाते हैं, बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। आप कछुआ देखोगे, ठीक है, कछुए के यानी टर्टॉइज के
पीठ वाले भाग में एक उभरा हुआ संरचना पाया जाता है, वो इसका बाह्य कंकाल रहता है, लेकिन उसका जो पूंछ होता है और जो उसके पैर होते हैं, ठीक है, ये इसमें आंतरिक कंकाल पाया जाता है। याद रखना, जब भी डर लगता है तुरंत कछुआ क्या हो जाता है, अपने बाह्य कंकाल के अंदर जाके छुप जाता है। स्नेल को भी डर लगता है तो वो अपने खोल के अंदर घुस जाती है। एक होता है सीप, सीप कहाँ पाया जाता है, आपके समुद्र में पाया जाता है, उसके अंदर भी एक जीव रहता है और उसके ऊपर जो कंकाल रहता है उसे भी बाह्य कंकाल कहती है, ठीक है। तो बाह्य कंकाल जो है वो आंतरिक चीजों की क्या करती है, पूरी तरीके से रक्षा करती है। और हम लोगों में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता, क्योंकि बाह्य कंकाल नहीं पाया, हम लोगों में ऊपर में क्या पाई जाती है, एक मांसल परत पाई जाती है जो हमारे आंतरिक कंकाल को पूरी तरीके से ढकी हुई रहती है, ठीक है, याद रहेगा, हमारे आंतरिक भाग को ढकी हुई रहती है। इसीलिए जिसके शरीर में बाह्य कंकाल पाया जाता है उसको टच होने से बड़ा ही सॉलिड सॉलिड लगता है, उसमें थोड़ी सी भी मुलायम चीज नहीं होती, एकदम सॉलिड होता है। और हम लोगों में हम टच करेंगे अपने बॉडी को तो क्या होगा, मुलायम लगेगा। क्यों? क्योंकि एक त्वचा की परत है, उसके अंदर पूरा मांसल भाग है, ठीक है, मसल्स है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, स्केलेटन पाया जाता है, हड्डियां पाई जाती है, तो वो आंतरिक भाग है, इसीलिए छूने से सॉफ्ट लगता है। तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा जानने योग्य नहीं है, बस आप ये समझ लो कि जो बाह्य कंकाल रहता है, ठीक है, बाह्य कंकाल ये छोटे जीवों में पाया जाता है जिसकी बॉडी अलग अलग शेप और साइज में, दूर से देखो तो पूरी अलग अलग स्ट्रक्चर दिखती है, ठीक है। स्पाइडर देखोगे, जो जंगली मकड़ी होती है वो भी एक बाह्य कंकाल शो करती है, ठीक है, तो इस प्रकार के बाह्य कंकाल। अब हम देखते हैं अंतः कंकाल, जिसे इंडो स्केलेटन कहा जाता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मनुष्य है, जीव जंतु है, इसमें सारे में क्या पाया जाता है, इंडो स्केलेटन ही पाया जाता है, ठीक है, जितने भी आएंगे सब में क्या पाया जाता है, इंडो स्केलेटन ही पाया जाता है, ठीक है। देखिए ये जो इंडो स्केलेटन रहता है, ठीक है, इंडो स्केलेटन यानी बाह्य कंकाल जो रहता है, इसके बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलेटन के बारे में, ठीक है। स्केलेटन दो भाग में बटे होते हैं, एक होता है आपका अस्थि जिसे कहते हैं आपका बोन, ठीक है, और दूसरा होता है उपास्थि जिसे कहते हैं हम कार्टिलेज, जिसे कहते हैं हम कार्टिलेज। देखिए जो ये आपका जो इंडो स्केलेटन होता है यानी आंतरिक कंकाल होता है, ये दो चीजों से मिलके बना रहता है, ठीक है, आंतरिक कंकाल के अंदर ये दो चीजों से मिलके बना रहता है, एक होता है बोन्स होता है और दूसरा होता है कार्टिलेज, याद रहेगा, बोन्स और कार्टिलेज। कार्टिलेज को नर्म हड्डी के नाम से जाना जाता है, नर्म हड्डी। और एक अच्छे से तरीके से बताओ, या जो मतलब जो हम यानी जो आपका चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, तो हड्डियों के ऊपर में एक सॉफ्ट हड्डी होती है जिसको ऐसे काट के खाया जाता है। यानी आप अगर चिकन खाते हो, मटन खाते हो, तो आप ये जानते होंगे कि हड्डियों के स्टार्टिंग में एक सॉफ्ट हड्डी पाई जाती है जिसको काट कर खाया जाता है, वही रहता है कार्टिलेज। आप बोन्स को काट के नहीं खा सकते, क्योंकि बोन्स की बनावट इतनी मतलब इतनी टाइट रहती है, वो जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है। कार्टिलेज, कार्टिलेज ऐसा होता है जो नर्म हड्डी होता है जिसको आप काट के खा सकते हो, ठीक है। तो हर बोन्स के स्टार्टिंग में कार्टिलेज लगा रहता है और खाने वाले उसको खाते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कार्टिलेज, सबसे पहले चर्चा करते हैं कार्टिलेज, ठीक है। तो सबसे पहला कार्टिलेज, कार्टिलेज को नर्म हड्डी के नाम से जाना जाता है, और ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का, याद रखना, ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का, ये बना होता है आपका कैल्शियम फास्फेट का। अब कैल्शियम फास्फेट का ये बना होता है, ठीक है, इसी कारण ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है, इसी कारण थोड़ा सॉफ्ट होता है। और हमारा जो बोन्स होता है, जो हड्डी होता है, वो कैल्शियम फास्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का भी बना होता है, इसी कारण वो टाइट होता है और ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है।
ये थोड़ा सॉफ्ट होता है कार्टिलेज, ठीक है, बच्चों में थोड़ा ज्यादा कार्टिलेज पाया जाता है, फिर धीरे धीरे वो कंबाइन होके एक बोन्स का निर्माण करते हैं और वो बोन्स जो है वो ज्यादा ही टाइट होती है। बच्चों में कार्टिलेज ज्यादा पाया जाता है, फिर धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है वो कार्टिलेज एक बोन्स के रूप में बनते हैं और वो बोन्स काफी टाइट होते हैं, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या होता है, एक नर्व हड्डी होता है जो कैल्शियम और फास्फेट का बना होता है, ठीक है। इसके अंदर कार्डियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है, कौन सी कोशिका पाई जाती है, कार्डियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है जो इसका निर्माण करती है, कार्डियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है जो इसका निर्माण करती है, कार्डियोब्लास्ट नामक सेल पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है जो क्या करती है, इसका निर्माण करती है, कार्डियोब्लास्ट कोशिका इसका निर्माण करती है। अब हमारे शरीर में कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, तो हमारे ये कान जो है ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है। तो देखो ये जो हमारा जो कान है ये देखने में टाइट लग रहा है लेकिन आसानी से मुड़ जा रहा है, तो कार्टिलेज से जो चीज बना होता है वो आसानी से मुड़ सकता है। हमारी जो नाक का सामने वाला भाग है ये भी कार्टिलेज का बना है, तो जो चीज कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है, वो बोन्स जैसा स्ट्रांग नहीं रहती लेकिन इतनी भी ढीली नहीं रहती है, बोन्स जैसा स्ट्रांग नहीं रहती, इसे नर्म हड्डी कहा जाता है, इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, ठीक है, याद रहेगा, इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, ठीक है। और जितनी भी हमें बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, ठीक है, जितनी बड़ी बड़ी हड्डियां हैं उसके ज्वाइंट में कार्टिलेज पाया जाता है, इसके ज्वाइंट में क्या पाया जाता है, कार्टिलेज। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो ये हड्डी है, तो बड़ी बड़ी हड्डियों के ज्वाइंट में मतलब यहाँ पर कार्टिलेज आपका होगा, आपका यहाँ पर कार्टिलेज होगा, ठीक है। बड़ी बड़ी हड्डियों के ज्वाइंट्स में क्या होता है, आपका कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। बड़ी बड़ी हड्डियों पे अभी फोटो आगे पढ़ेंगे तो आपको उसका पिक्चर भी दिखेगा, उस पर लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी हड्डियों के एकदम ज्वाइंट में क्या होता है, स्टार्टिंग पोजीशन में हल्का सा कार्टिलेज होता है, ठीक है, याद रहेगा। जैसे चिकन उगन खाते हैं, जो चिकन का लेग पीस होता है, तो लेग पीस का जो स्टार्टिंग पोजीशन जहां से उसका लेग कनेक्ट होता है वहां पर कार्टिलेज लगा होगा, अक्सर लोग वही से खाना चालू करते हैं, ठीक है। तो कार्टिलेज जो होता है वो क्या है, नर्म हड्डी, और उसको खाया जाता है, ठीक है। देखिए कार्टिलेज की एक लेयर पाई जाती है जिसे पेराकोंड्रियम कहा जाता है, जिसे पेरिकोंड्रियम कहा जाता है। ये पेरिकोंड्रियम जो लेयर होती है ये कार्टिलेज के चारों ओर फैली होती है, कार्टिलेज के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे पेरिकोंड्रियम कहा जाता है, ये लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, याद रहेगा। तो कार्टिलेज के ऊपर में कौन सी लेयर प्रेजेंट रहती है, पेरिकोंड्रियम लेयर प्रेजेंट रहती है, लेयर यानी एक तरीके से परत जो किसके ऊपर रहती है, कार्टिलेज के ऊपर रहती है, ठीक है, याद रहेगा। और कार्टिलेज में तंत्रिका तंत्र का कोई भी अंश नहीं पाया जाता, ना ब्लड का या ना तो रक्त संचार होता है, कार्टिलेज में ना तो तंत्रिका तंत्र का कोई भाग पाया जाता है ना तो ब्लड फ्लो होता है, यानी रक्त का संचार वहां नहीं होता, बहुत कम एरिया पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, वहां बस ब्लड का संचार नहीं होता, ठीक है, याद रहेगा, ब्लड का संचार वहां बस नहीं होता, यानी बोल सकते हो रक्त नलिका नहीं पाई जाती, ठीक है। रक्त नलिका कहाँ पाई जाती है, आपके बोन्स में पाई जाती है, आपके बोन्स में रक्त नलिकाएं पाई जाती है। उसके बाद अगला देखते हैं आपका अस्थि, दूसरा है आपका अस्थि, अस्थि यानी होती है बोन्स। देखिए बोन्स जो है, ठीक है, ये किसका बना होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का तो ये बना रहता है प्लस कैल्शियम फास्फेट का भी बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का भी बना होता है, इसीलिए हमारी जो बोन्स होती है वो बहुत ही कठोर होती है, वो बहुत ही क्या होती है, कठोर होती है, हमारी बोन्स बहुत ही कठोर होती है। और विशेष बात इसमें यह है कि इसमें एक कोशिका पाई जाती है जिसे कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ये जो कोशिका पाई जाती है इसमें एक कोशिका पाई जाती है, सेल पाई जाती है जिसका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट सेल पाई जाती है, यानी ये इसी कोशिका का क्या होता है, बना रहता है, इसी कोशिका का क्या होता है, बना रहता है।
और इसमें दो प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला होता है कोलेजन प्रोटीन, पहला होता है आपका कोलेजन प्रोटीन और दूसरा होता है ओसिन प्रोटीन। ठीक है, ओसिन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन जो रहता है वो हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है और ओसिन प्रोटीन जो रहता है वो हड्डियों के निर्माण में यानी स्टार्टिंग पॉइंट के निर्माण में मदद करता है। तो ये दोनों का अलग अलग, कोलेजन प्रोटीन हड्डियों को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। ठीक है, ये जो प्रोटीन रहता है ये अधिक मात्रा में है तो अधिक मात्रा में आपकी हड्डियां क्या होगी और स्ट्रांग होगी, और ओसिन जो प्रोटीन रहता है ये हड्डियों के निर्माण में, ठीक है, ये मदद करता है। तो दोनों का अलग अलग वर्क होता है, हड्डियों के निर्माण में ये मदद करता है। ठीक है, इसमें रक्त नलिकाएं भी पाई जाती है और तंत्रिका तंत्र के अंश भी पाए जाएंगे। जैसे इस एग्जांपल की ओर हमारी रीढ़ की हड्डी है तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड एक रस्सी के धागे के समान फैला रहता है उसमें, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पाया जाता है? पीठ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में, तो हड्डी में भी स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो इसमें रक्त नलिकाएं भी होती है, आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में हो ही रहा है। ठीक है, तो बोल सकते हैं इसमें रक्त नलिकाएं भी पाई जाती है और इसमें तंत्रिका तंत्र की व्यवस्था भी होती है, दोनों चीजें। ठीक है, याद रहेगा, इसमें तंत्रिका तंत्र की व्यवस्था भी होती है। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे के जन्म के समय या बच्चा जब जन्म लेता है तो नॉर्मल सी उसकी हड्डियां कितनी होती है, तो हड्डियां 300 होती है। ठीक है, एक औसतन बोला जाता है 300। लेकिन जब बाल्यावस्था आती है, ठीक है, बाल्यावस्था जब चाइल्डहुड स्टेज आता है तो उनकी हड्डियों की संख्या रहती है 208, उनकी हड्डियों की संख्या रहती है 208। लेकिन जब एडल्ट हो जाता है तो उनकी हड्डियों की संख्या रहती है 206। तो ये दो तीन चीजें जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और एक खास बात, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका सिस्टम दिख रहा है, अब यह यही बस लिख देता हूं मैं। ठीक है, देखिए, बोन्स को बोन्स से जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है, लिगामेंट करता है। ठीक है, बोन्स को बोन्स से जोड़ने का काम कौन करेगा? लिगामेंट। यानी दो बोन्स अगर आपस में जुड़ी हैं तो इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? लिगामेंट कर रहा है। ठीक है, और दो और दूसरा होता है बोन्स और मसल्स, ये दोनों का जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। ठीक है, तो बोन्स और मसल्स को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। ये संयोजी ऊतक है दोनों ना, लिगामेंट और टेंडन। तो बोन्स को बोन्स से जोड़ने का काम कौन करेगा? आपका लिगामेंट। और बोन्स को मसल्स से जोड़ने का काम कौन करेगा? आपका टेंडन। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं तो आपसे ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते, देखिए हमारे शरीर में कुल टोटल जो बोन्स पाए जाते हैं, हड्डियां पाई जाती है, बोन्स पाई जाती है, वो टोटल होती है 206। ठीक है, और ये दो भागों में बटी होती है। सबसे पहला जो रहता है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन रहता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो हमारी बोन्स टोटल कितनी होती है? 206 होती है। अब 206 होती है तो ये किस प्रकार से इसको गिना जाए? तो सबसे पहले दो भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, सबसे पहला होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें वो हड्डियां आती हैं, ठीक है, इसमें वो हड्डियां आती हैं जिसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, जिसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी हड्डियां आएंगी ये देखेंगे अभी। तो सबसे पहले बोन्स कितनी होती है? 206 होती है। और सबसे पहला भाग होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि ऐसी हड्डियां जिसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, याद रहेगा, मूवमेंट होता है। और ये टोटल कितनी पाई जाती है? 126। चलिए देखते हैं 126 कहां कहां कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं आपके हैंड यानी हाथ, हाथ की हड्डी। ठीक है,
मैं अभी आपको शो करूंगा, तो सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि हमारे हाथ में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो एक हाथ में पाई जाती है 30, दूसरे हाथ में पाई जाती है 30, यानी कि 30 कितनी हो गई 60। तो राइट हैंड में पाई जाती है 30, लेफ्ट हैंड में पाई जाती है 30, यानी हमारे हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है 60। अब कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है इसके बारे में स्ट्रक्चर में देख लेती है कौन कौन सी हड्डियां हैं। अब ये देखिए, ये हमारा हाथ है, ठीक है, हमारा हाथ है टोटल, ठीक है, ये पूरा हाथ दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, हमारा हाथ यहां से स्टार्ट होता है, अगर फुल हैंड लेते हैं यहां से लेकर यहां तक, तो हाथ स्टार्ट यहां से होता है। अब देखिए, ठीक है, यहां से लेकर यहां से भाग, यहां से लेकर यहां तक के भाग को बोला जाता है ह्यूमेरस। क्या बोलेंगे? ह्यूमेरस, ठीक है, ह्यूमेरस बोला जाता है। यहां से लेकर यहां तक के भाग को क्या बोलते हैं? ह्यूमेरस बोलते हैं, ठीक है। अब ह्यूमेरस, इसकी संख्या कितनी होती है? एक। इसकी संख्या कितनी होती है? मात्र एक। एक ही हड्डी है यहां पर, यहां से लेकर आपका यहां तक, ये ज्वाइंट तक, इसको बोलते हैं ह्यूमेरस। इसकी संख्या कितनी होती है? एक, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, आपका यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर इस साइड तक, यहां से लेकर यहां पर दो हड्डी गई है, ठीक है। एक हड्डी जो है वो आपके ऊपरी साइड से गई है, दूसरी हड्डी जो है निचले साइड से गई है। और ये जो ऊपरी साइड से हड्डी गई है, ये अंगूठे की तरफ गई है, जैसे ये मेरे हाथ है, ठीक है। तो इसमें से एक हड्डी इधर से गई है और दूसरी हड्डी इधर से गई है, ठीक है। एक इस साइड से गई है, दूसरी किस साइड से गई है? एक इधर से गई है, एक इधर से गई है। तो जो इधर से गई है ये वाली है, वो अंगूठे के तरफ गई है, और इधर से गई है वो लिटिल फिंगर की तरफ गई है। तो ये दो हड्डी आती हैं, इस साइड से जाके इससे ज्वाइंट हो जाते हैं। तो ये दो हड्डी जो है इनका नाम है, इसका नाम है रेडियस और इसका नाम है अल्ना, ठीक है। इसका नाम है आपका रेडियस और इसका नाम है आपका अल्ना, ठीक है, रेडियस और अल्ना, ठीक है। आप देखोगे आपके हड्डियों के बीच में एक स्पेस खाली है, आपके हड्डियों के बीच में स्पेस खाली होगा, आप यहां पर दबाओ, क्योंकि यहां पर बीच का स्पेस क्या है आपका? खाली है। ये बीच का स्पेस क्या है आपका? खाली है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है, यहां तक हो गया तो कितनी हड्डियां हो गई? एक हो गया, दो हो गया, तीन, तीन हड्डी हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी, आपका क्या होता है? कलाई। कलाई किसे बोलते हैं? जिसमें आप चूड़ी पहनते हैं या घड़ी पहनते हैं, ठीक है। यहां बस ये कलाई, ये वाली हड्डी, ये वाली हड्डी, ये कलाई होती है। ये कलाई में टोटल हड्डियों की संख्या 8 होती है, और इसी कलाई को बोला जाता है कार्पल्स, कार्पल्स बोलते हैं, ठीक है। इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? इसकी टोटल संख्या 8 होती है, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में अगर गिना जाए तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, और 8, यानी ये टोटल कितनी होती है? 8। 8 छोटी छोटी हड्डियां का ये समूह पाया जाता है, याद रहेगा, छोटी छोटी हड्डियों का ये क्या होता है? समूह होता है। और यही जो 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है, इसकी संख्या होती है 8, यही क्या बनाती है? हमारी कलाई का निर्माण करती है। उसके बाद यहां से कलाई के बाद अगला जो आता है, ठीक है, कलाई के बाद अपना अगला जो आता है, ठीक है, अगला जो आता है, ठीक है, देखिए, यहां से इतना होने के बाद यहां से ये वाला जो भाग है और यहां से लेकर ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये आपकी क्या है? हथेली है। ये आपकी हथेली जो नहीं है, ये पूरा हथेली, जो बड़ा सा हथेली दिख रहा है, ये आपकी हथेली है। याद रखना, आपकी जो उंगलियां हैं ये डायरेक्ट यहीं से चालू हो जाती हैं। कहां से? कलाई से। देखिए, ये कलाई है, यहां से एक उंगली पूरी निकली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली। और कारण ये रहता है कि यहां से लेकर यहां तक के भाग को ये पूरा कवर कर देती है, ये मांस जो रहता है हमारा, जो ये मांस रहता है और स्किन रहती है, ये पूरी ढक देती है। तो ये क्या बन जाता है? अपनी ये क्या रहता है? हमारी हथेली रहती है, ठीक है, ये हथेली रहती है जिसको पूरा ढक दिया जाता है, जो हमको दिखता नहीं। हमको क्या दिखता है? यहां से दिखता है, ये पांच दिख रहे हैं यहां से, ठीक है। तो ये इसकी संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और इसकी संख्या होती है 5, ठीक है। और उसके बाद ये आगे जो निकलती हैं, इसे बोलते हैं हम उंगलियां,
जिसको बोला जाता है फेजल्स, फैलेंजेस, फैलेंजेस बोला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, फैलेंजेस बोलते हैं, उंगलियां, ठीक है। और ये जो उंगलियां हैं, ठीक है, ये जो उंगलियां है, ये इनमें से ये देखो पांच उंगलियां हैं, ये उंगली तीन जगह से मुड़ती है, एक दो तीन, ये भी तीन जगह से मुड़ जाती है, ये भी तीन जगह से मुड़ती, ये तीन, लेकिन हमारा जो अंगूठा रहता है वो केवल दो जगह से मुड़ता है, और दो जगह से मुड़ने के कारण ये तीन है, तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और चौदह, यानी इसकी संख्या कितनी हो गई, चौदह। अगर आप सबको जोड़ोगे तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है, तीस। यानी बोल सकते हो कि एक हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तीस। तो जब इसमें तीस तो इसमें तीस, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई, साठ, ठीक है। अब आगे देखे, आगे दूसरा आता है आपका पैर, ठीक है, इसी में देख लेते हैं, ये देखिए इसमें आपको बेटर दिखाई देगा, इसमें आपको बेटर दिखाई देगा, ये है आपकी कलाई, ठीक है। तो कलाई में कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, ठीक है, आठ हो गए। तो ये कलाई है, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, आठ, ठीक है, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, आठ। अब ये जो है यहां से लेकर आपका ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं हथेली, और हथेली की संख्या कितनी होती है, पांच, जिसे हथेली को क्या बोलते हैं, मेटाकार्पस बोला जाता है, मेटाकार्पस, और इसको क्या बोलते हैं, कलाई को कार्पस बोला जाता है। कार्पस की संख्या कितनी होती है, आठ, और मेटाकार्पस की संख्या कितनी होती है, पांच। और उसके बाद ये जो उंगलियां निकली है बाहर, उसमें जो है जिसे फैलेंजेस कहा जाता है, फैलेंजेस कहा जाता है, इसकी संख्या कितनी होती है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और चौदह, यानी इसकी संख्या होती है चौदह। तो आप इस तरह इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगला हम देखते हैं आपका, ठीक है, दूसरा देखते हैं आपका पैर, ठीक है, पैर की हड्डियां देखे, ठीक है, फुल लेग बोला जाता है, जिसको फुल लेग बोला जाता है, ठीक है, फुल लेग यानी पांव की हड्डियां, पैर की हड्डियां बोला जा सकता है, पैर की हड्डी, ठीक है, पैर की हड्डी एकदम हाथ की हड्डी के बराबर ही पाई जाती है, यानी 30 प्लस 30 यानी कितनी पाई जाएंगी, 60, 30 प्लस 30 यानी कितनी पाई जाएंगी, 60 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी हड्डी इसमें पाई जाती है, पूरा पिक्चर देख लेते हैं। देखिए ये आपकी पैर की हड्डी है, ठीक है, अब पैर की हड्डी में सबसे ऊपरी हड्डी जो पाई जाती है पहली वाली, उसको बोलते हैं फीमर, और फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी क्या होती है, हड्डी होती है। फीमर जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, इसकी लिख लेना ये कितनी इंच, 48 सेंटीमीटर होती है, ये कितनी होती है, 48 सेंटीमीटर होती है, इंच में बोलेगा तो 19 इंच तक ये लंबी हो सकती है, ठीक है, लंबी होती है 19 इंच, ठीक है, 48 सेंटीमीटर है और ये है आपका 19 इंच, अगर ये कलर नहीं दिख रहा होगा तो मैं कलर चेंज होती है, ठीक है। ये फीमर जो होती है ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है, और याद रखना अगर आपसे पूछेंगे कि हमारे शरीर की सबसे खोखली हड्डी कौन सी है तो वो फीमर है, हमारे शरीर की सबसे खोखली हड्डी क्या है, फीमर है, ठीक है, याद रहेगा। और ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है जो जांग वाले भाग में प्रेजेंट रहती है। देखिए फीमर कितना पाए जाते हैं, एक, तो भैया ये एक हो गया। उसके बाद दूसरा आता है पटेला, पटेला जो होती है वो कटोरी के समान होती है, कटोरी के समान ये होती है, और ये हमारे जो है यहाँ पर जो हमारा जो है ना घुटना, घुटने में ये कटोरी के समान फिक्स रहती है, ये जो दिख रहा है ना गोला गोला, इसे बोलते हैं पटेला, और ये ऐसी जगह में स्थित है कि आप केवल एक ही तरफ के मूवमेंट कर सकते हो, दूसरी तरफ के मूवमेंट नहीं कर सकते। आप देखोगे आपका पैर केवल एक ही तरफ का मूवमेंट करता है, दूसरी तरफ का मूवमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि पटेला केवल एक तरफ के मूवमेंट की इजाजत देता है, ऐसा फिक्स रहता है कि आप एक ही दिशा में क्या कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो। तो इसकी भी संख्या कितनी हो गई, एक, ठीक है। उसके बाद अगला आता है यहाँ पस की जो लंबी हड्डी है, ठीक है, इसे चमकीली हड्डी भी कहा जाता है, याद रखना टीबिया को चमकीली हड्डी भी कहा जाता है, यह पूछा जाता है, आपकी हड्डी भी कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। तो टीबिया जो होती है वो यहां से लेकर आपका यहां तक ज्वाइंट करती है, ठीक है, आपका यहाँ ये जो होता है आपका टखना, यहाँ पर जो
जो होता है ना इसे बोलते हैं टखना, टखना हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक को जोड़ने का मेन काम कौन करता है, ये टीबिया करती है। और ये फेबुला जो होता है ये वाली होती है, ये वाली, ये केवल इसका हेल्प करती है। मेन हड्डी आपकी ये टीबिया होती है, मेन हड्डी क्या होती है, टीबिया होती है। उसका हेल्प कौन करती है, उसका हेल्प करने का काम करती है आपकी फेबुला करती है। उसका हेल्प कौन करता है, उसका हेल्प करता है फेबुला, ठीक है, याद रहेगा टीबिया और फेबुला, ठीक है। इसकी भी संख्या एक है, 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 इसकी भी संख्या क्या है, एक है। अब बात करते हैं टार्सल की। टार्सल यानी टखना, टखना मतलब क्या होता है, पैर का नीचे वाला जो घुटना नहीं होता उसे बोलते हैं आपका टखना। इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है सात, सात संख्या होती है। इसमें भी छोटे 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 क्या है, एक तरीके से हड्डियों के टुकड़े रहते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है टखना, ठीक है, ये वहां पर पाया जाता है, इसे बोलते हैं टखना, ठीक है, याद रहेगा। अब टखना होने के बाद मेटाकार्सल, जैसे हमारे हाथ में है वैसे ही सेम हमारे पैर में है, ठीक है। तो ये जो रहता है ना आपका, ये यहां से लेकर यहां तक छोटा छोटा जो भाग रहता है, ये टोटल रहते हैं पांच, ठीक है, एक और दब गया, टोटल रहते हैं पांच। तो मेटाटार्सल की संख्या कितनी होती है, पांच, ये आपको ध्यान रखना है। मेटाटार्सल की संख्या जितनी होती है ये होती है पांच। एक्चुअल मेटाटार्सल थोड़ा आगे रहता है, मेटाटार्सल की संख्या होती है पांच, ठीक है। अब उसके बाद फेलेंजेस, फेलेंजेस जो रहता है यानी कि उंगलियां, ये जो निकली रहती है, ठीक है, उंगलियां जो निकली रहती है, ये तीन तीन भागों में टूटी रहती है, जैसे हाथ की टूटी है वैसे पैर की भी टूटी है। तो इसकी भी संख्या कितनी होती है, चौदह। अगर हम इसको जोड़ा जाए तो इसकी भी संख्या कितनी हो जाती है, इसकी संख्या आ जाती है आपका टोटल तीस। तो तीस प्लस तीस यानी टोटल कितनी हो गई, पैर की हड्डियां साठ, यानी साठ जो होती है वो पैर की हड्डी भी होती है और हाथ की हड्डी, यानी टोटल हड्डी कितनी हो गई, 120। अब हमको कितनी हड्डियों के बारे में चर्चा करनी है, हमको करनी है चर्चा 126 के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। अगली हड्डी जो होती है उसके बारे में देखते हैं। तीसरी हड्डी जो होती है उसको बोलते हैं पेल्विक बोन्स, उसको बोला जाता है आपका क्या बोलते हैं, पेल्विक बोन्स, पेल्विक बोन्स। इसको बोल सकते हैं हिंदी भाषा में एकदम आसान सा शब्द तो कमर की हड्डी, ये कमर के पास होता है इसलिए कमर की हड्डी, ठीक है, कमर की हड्डी। देखिए इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या होती है दो, ठीक है, इसकी संख्या भी होती है दो। आपको मैं समझा देता हूं, देखिए कमर की हड्डी निकालते हैं, ठीक है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके पेल्विक बोन्स का है, ठीक है। अब इसमें खास बात ये रहती है कि पहले ये तीन भागों में बटी रहती है, ठीक है, तीन भाग में बटी रहती है, फिर तीन भाग आपस में ज्वाइंट होकर एक भाग बनाता है, ठीक है। और वो तीन भाग कौन होते हैं उसको मैं लिखा देता हूं, ठीक है, इलियम, देखिए तीन भाग होते हैं इलियम, इशियम और प्यूबिक। यानी कहने का मतलब है स्टार्टिंग पोजीशन में ये जो है तीन भाग में बटे होते हैं और फिर बाद में तीन भाग एक होकर क्या बना लेते हैं, ये तीन भाग एक होकर एक सिंगल एक बोन बना लेते हैं। पहले ये तीन अलग अलग होते हैं, देखिए लोकेशन बता देता हूँ, ठीक है, लोकेशन बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो इलियम भाग है ये वाला इलियम भाग, यानी कि ये पूरा ये वाला भाग, ये वाला इलियम भाग, ठीक है, ये ऊपर वाला भाग जो होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो नीचे वाला भाग है ये भी अलग रहता है, ये यहां से ये भी अलग रहता है, तो ये दो हो गए और एक बीच वाली हड्डी रहती है, एक बीच वाली हड्डी रहती है, इधर की अलग रहती है इसकी अलग रहती है, ठीक है। तो एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया और एक बीच वाला, ये पहले अलग अलग होते हैं, ठीक है, और फिर बाद में जैसी एज बढ़ता जाता है ये तीनों मिलकर एक हो जाते हैं, और तीनों जब मिलके एक हो जाते हैं तो एक रूप में इनको बोला जाता है आपका पेल्विक बोन्स, पेल्विक बोन्स। अब इसका एक रूप देखो जाएगा तो यहां से लेकर आपका ये पूरा इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, ये पूरा इस प्रकार का, ये इस प्रकार का पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है, ये पूरा एक बोन्स हो गए, ठीक है, एक बोन्स हो गए। और यहां से आप देखोगे तो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनता है,
ठीक है, इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनेगा और ये हो गया दूसरा बोन्स, ठीक है, ये दूसरा, तो ये एक हो गया आपका, ये दो हो गया, यानी बोन्स की संख्या कितनी हो गई, दो हो गई, ठीक है, याद रहेगा दो बोन्स पाए जाते हैं और ये बोन्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर इसमें चोट लग गया तो ऊपर वाला भी सिस्टम डैमेज, नीचे वाला भी सिस्टम डैमेज, क्योंकि यही से आपका क्या निकलता है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, ठीक है, यही से निकलती है, और ऊपर वाला जो आपका यहां से क्या निकलता है, आपके जो रीढ़ की हड्डी रहती है वो यहां से कनेक्ट रहती है रीढ़ की हड्डी, और यहां से फीमर कनेक्ट रहता है, और मेन कनेक्टर का काम कौन करता है, मेन कनेक्टर का काम यही करता है, अगर इसमें डैमेज हो गया तो ऊपर वाला भी कनेक्शन गया, नीचे वाला भी कनेक्शन गया, इसलिए ये जो कमर की हड्डी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, याद रहेगा, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है, उसके बाद चौथा आता है आपका, ठीक है, उसके बाद चौथा आएगा क्लेविकल बोन्स, क्लेविकल बोन्स, ठीक है, क्लेविकल बोन्स आपके शोल्डर में होता है, आपके कहां होता है, शोल्डर यानी कंधे में होता है, ये बोन्स आपके, इसकी भी संख्या कितनी होती है, दो होती है, चलो देख लेते हैं इसकी भी संख्या कितनी होती है, सो ये होता है आपका शोल्डर बोन्स, ठीक है, क्लेविकल बोन्स इसको बोला जाता है, इसकी भी संख्या कितनी है, दो है, एक इधर है दूसरी भैया इधर है, ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, सॉरी एक एक इधर है यानी टोटल दो हो जाएंगे, एक और एक यानी टोटल कितने हो गए, दो, ये शोल्डर बोन्स रहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, और शरीर की सबसे ज्यादा नाजुक हड्डी इसी को बोलते हैं, बहुत जल्दी इधर से उधर हो जाती है, ठीक है, ये शोल्डर बोन्स जो रहते हैं ना, ठीक है, इसी ये थोड़ी नाजुक हड्डी होती है, बच्चों में तो और ज्यादा, हल्का सा भी उछालो ऐसे करके तो ये शोल्डर बोन हल्की सी खिसक जाती है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो ये नाजुक हड्डी में एक गिनी जाती है, ठीक है, याद रहेगा। अब शोल्डर बोन्स के बाद अगला जो बोन्स आता है, ठीक है, उसको स्कैपुला बोन्स कहा जाता है, पांचवा नंबर है स्कैपुला बोन्स, ठीक है, स्कैपुला बोन्स की भी संख्या कितनी होती है, दो होती है, अब देख लो स्कैपुला बोन्स की संख्या कितनी होती है, दो होती है, अब ये कहां पास होता है ये देख लेते हैं, तो ये होता है आपका ये, ठीक है, एक ये बोन हो गया आपका ये, और दूसरा हो गया भैया ये, ठीक है, तो इसकी संख्या एक हो गई, इसकी संख्या दो हो गई, और ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, यानी टोटल संख्या इसकी क्या हो गई, दो, तो स्कैपुला बोन्स भी कितनी होती है, दो होती है, ठीक है, तो ये आप समझ लेना, ठीक है, तो ये आपका फुट डायग्राम मैंने दिखा दिया, तो स्कैपुला बोन्स की संख्या कितनी होती है, दो होती है, तो जब हम लोगों ने स्कैपुला बोन्स देख लिया दो होती है, क्लेविकल बोन्स देख लिया दो होती है, पेल्विक बोन्स देख लिया दो होती है, उसके बाद पूरा पैर यानी कि फुल लेग की बोन्स की संख्या देख लिया 30 होती है, हैंड की संख्या देख लिया 30-30 यानी 60 होती है, यानी हाथ में टोटल कितने होते हैं 60, पैर में कितने होते हैं 60, और बाकी 2-2-2 यानी टोटल कितने हो गए हमारे 126, यानी कि ये वो हड्डियां होती हैं जो मूवमेंट करती हैं, यानी कि इधर से उधर क्या करती हैं, गति करती हैं, तो इसे बोला जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन समझिए होंगे आप लोग, ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो मूवमेंट करने का काम करता है, एग्जांपल की तौर है आपके पैर की हड्डी वो भी मूवमेंट करती है, हाथ की हड्डी वो भी मूवमेंट करती है, शोल्डर की हड्डी वो भी मूवमेंट करती है आपकी पूरी, ठीक है, ये सारी जो हड्डियां रहती है वो क्या करती है आपके मूवमेंट में मदद करती है या आपका मूवमेंट करती है, आपका कमर भी मूवमेंट करता है, ठीक है, तो ये सारी हड्डियां क्या करती है मूवमेंट करने का काम करती है, ठीक है, तो ये सारी हड्डियां क्या करती है मूवमेंट, तो अपेंडिकुलर हड्डियां आपको याद रखना है, ठीक है, ये हड्डी का पहला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एक दो पार्ट या तीन पार्ट का वीडियो रहेगा, ठीक है, अच्छे से समझिए, ठीक है, उसके बाद इसे सारे क्वेश्चन जितने आए हुए क्वेश्चन है सब मैं आपको पढ़ा दूंगा या पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, थैंक यू।